एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश की सोच क्या है आपको लेकर। ओके, आपके क्रश की सोच क्या है आपको लेकर, यही देखेंगे हम। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है द टावर, अमेजिंग। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो आपके क्रश की सोच क्या है आपको लेकर। गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके क्रश को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, या आपको ना कोई है जो डोमिनेट करता है या मैनिपुलेट करता है उनको लेकर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या रहे हैं कभी, या कुछ हैं आपके फैमिली में लोग जो आपको ना मैनिपुलेट करते हैं, जो इनकी तरफ आने नहीं देते आपको। ओके, और ना मुझे ऐसा लगता है उन्हें आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी कभी चोट वगैरह लगी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपके क्रश को अभी रिसेंटली पता चला है आपके बारे में कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पैर में चोट लगी है या सर में चोट लगी है। ठीक है, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जब आपकी तकलीफ़ देखते हैं तो वो यही मैनिफेस्ट करते हैं, यही प्रे करते हैं कि गॉड प्लीज़ इसकी जो भी परेशानी है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। मे बी ऐसा हो सकता है उन्हें किसी से पता चला हो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। सो ये चीज़ें जब उन्हें पता चली हैं या उन्होंने देखी है ना, तो वो यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके लिए सोच रहे हैं कि काश आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएँ, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका बहुत जल्दी अंत हो जाए। और उन्हें ऐसा लगता है ना आपको देख के कि आप हमेशा औरों से अलग सोच रखते हैं। जब भी उन्होंने आपको देखा है सो आपके लिए वो यही सोचते हैं कि आपकी सोच हमेशा औरों से अलग होती है, या आपका रहने का तरीका या आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है औरों से, जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती है, जो उनको आपकी तरफ और आकर्षित करती हैं। साथ ही मुझे ऐसा लगता है ना आप या तो कॉलेज में साथ हैं या आप दोनों ही कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें ड्रेस कोड है। ओके, मुझे नहीं पता बट ऐसा मुझे दिख रहा है, सो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप स्कूल फ्रेंड्स हैं, ओके, वो आज भी आप पे क्रश रखते हैं, या फिर आप किसी ऐसे कॉलेज या ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ ड्रेस कोड है। ओके, जहाँ ड्रेस कोड है, जहाँ आप मिले हो, जहाँ पे आप दोनों ने ही साथ में शिक्षा ग्रहण की है, यानी कि स्कूल कॉलेज, ओके, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ आप दोनों मिले हैं। सो वहाँ पे उन्होंने हमेशा यही ऑब्जर्व किया है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, साथ ही आपका ना औरों से हमेशा अलग नज़रिया रहा है। जैसे लोग सिचुएशन को देख रहे हैं, जैसे लोग एक्शन ले रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, उससे बिल्कुल हटके आपने हमेशा रिएक्शन दिया है, रिएक्ट किया है। सो वो उस चीज़ को लेकर सोचते हैं कि यार इस लड़की या लड़के का ना हमेशा ओपिनियन अलग रहा है, हमेशा सोच अलग ही रही है औरों से। सो वो आपके लिए ना यही चीज़ सोचते हैं, साथ ही वो आपको लेके ये चीज़ भी सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली से ना बहुत प्यार करते हैं, फैमिली को हमेशा साथ लेके चलते हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है, रेयर है, मैं पहले ही बोल रही हूँ ये चीज़ रेयर है, सो प्लीज़ हर कोई रेजोनेट मत करना अपने ऊपर। ओके,
और मैंने देखा है कि जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना, लोग हमेशा अपने ऊपर ले जाते हैं, जबकि मैं बोलती हूँ कि ओपन माइंड होके देखिए, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही रखिए। पिछली किसी वीडियो में या रीडिंग में मैंने बोला था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने ड्रिंक करना शुरू किया हो, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि हम ड्रिंक नहीं करते, हम कभी ड्रिंक नहीं किए हैं। भाई मैंने बोला है ओपन माइंड होके देखिए, नहीं रेजोनेट किया छोड़ दो उसको, ज़बरदस्ती आप मत लीजिए अपने ऊपर, एंड फिर आप हम ही को बोल रहे होते हो कि आप गलत बता रहे हो, रेजोनेट नहीं कर रहा। देखो जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे दुनिया में बहुत लोग हैं, सो जितना रेजोनेट कर जाए आप उसको ही एक्सेप्ट कीजिए, उसी को क्लेम कीजिए, ओके। और जो चीज़ नहीं रेजोनेट करती आप उसको छोड़ दो, आप यही समझो कि वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है मेरे से ये छोड़ दो, मत देखो, ओके। बट ऐसे नहीं बोलो कि गलत है या ये मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करती, पता नहीं जो भी लिख देते हो आप लोग। बाय द वे, अब हम उन चीज़ों को छोड़ते हैं, रीडिंग पे वापस आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके क्रश की सोच ये है कि आप शायद मैरिड हैं, ओके, एंड इवन मुझे ऐसा लगा है आपका कोई छोटा बेबी भी है और आप उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। उनके लिए जो भी पर्सन हैं जिन पर भी आपको क्रश है या आपके जो ये क्रश हैं उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि उन्हें भी आप पर क्रश है, ओके। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ इस रीडिंग की कि अगर आपको क्रश है उन पर तो उन्हें भी आप पर है। सो वो ये सोचते हैं आपको लेकर कि आप अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकते। आप शायद ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका एक छोटा बेबी है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते, ओके। और वो यही सोचते हैं कि यार मतलब हम आगे बढ़ भी जाएं, अगर मैं इन्हें प्रपोज भी कर दूँ तो ये कभी भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाएंगे मेरे लिए, ओके। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत रेयर है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिससे रेजोनेट हो रहा है वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ओके। और मुझे ऐसा लगता है ना, आपकी क्रश को यही लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अच्छे से उन्हें जानते हो, आपकी बातें होती हैं, मे बी ऐसा हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो हमेशा उस चीज़ को याद करते हैं, उस पल को याद करते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी पार्टी में साथ में गए हों, ओके, या आपकी जो मुलाकात हुई हो वो किसी पार्टी में हुई हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत फूडी हैं और आपको डांस करना बहुत पसंद है, आपको इंजॉय करना बहुत पसंद है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, साथ ही आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, इंडिपेंडेंट है। मे बी ऐसा हो सकता है आप किसी बैंक वगैरह में जॉब कर रहे हों या कुछ फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आर्किटेक्चर हो सकते हो, वेडिंग प्लानर हो सकते हो, या मैं कहूँ टीचर भी हो सकते हो, आप प्रिंसिपल भी हो सकते हो अगर आप उस एज के हो तो, ओके। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है आपको देख के कि वो आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आते भी हैं, कुछ लोगों के लिए है, रेयर है, जो मैंने मैरिड वाला बोला था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको प्रपोज भी करते हैं या आपके साथ फाइनली रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं, सो वो जो रिलेशनशिप होगा उसकी फाउंडेशन इतनी कमज़ोर होगी कि वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, आप अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते और स्पेशली आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ एक है कि आपको उन पर क्रश हुआ है, इन्हें आप पे क्रश है, ये जानते हैं कि आप मैरिड हो, आपका बेबी है, बट इन्हें ये लगता है कि अगर रिलेशनशिप
में आ भी जाते हैं सो तब भी आप पूरी तरीके से इनके नहीं हो पाएंगे, और साथ ही ये रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन रहेगी वो बहुत कमज़ोर रहेगी। और एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, ये जो सिचुएशन है ये सामने वाला पर्सन भी हो सकता है जिसकी मैं बता रही हूँ, वो पर्सन मैरिड हो सकता है, उसका बेबी हो सकता है जिस पर आपको क्रश है। ओके, ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप दोनों को ही क्रश है एक दूसरे पे, क्योंकि आप किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में मिले हैं, स्कूल में भी मिले हों, ऐसा हो सकता है स्कूल फ्रेंड रहे हों, ऐसा हो सकता है। ओके, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, बट आपके क्रश की सोच यही है आपको लिखें। ओके, ये वाला जो मैसेज है ना बहुत ही रेयर मैच करेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है जिससे भी रेजोनेट कर जाए प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और देख लेते हैं आपके क्रश की सोच आपको लेकर क्या है। जस्ट अ सेकंड गाइस, और इन्हें ऐसा भी लगता है ना कोई आपको इनके खिलाफ भड़काता है या कोई चाहता नहीं है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आएँ, ऐसी भी चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना उन्हें हमेशा यही लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, कभी अकेले नहीं मिलते, और जो आपकी सोच है वो बिल्कुल अलग है और उसे। ओके सो यहाँ पे किंग ऑफ कप तो था ही, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया है, साथ ही बॉटम ऑफ डेक आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, जो मैंने बोला था आपको फैमिली वाली बात, वो कंफर्म होती दिख रही है। ये खुद को ऐसा फील करते हैं या आपको ऐसी जगह देखते हैं जो चौराया है, जिस पे कहाँ जाना है वो पता नहीं है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ओके, मैं दोनों की ही बोल रही हूँ, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, आपसे भी रेजोनेट कर सकती है, आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ये आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा फील कर रहे हो या तो आप या वो आपके क्रश, कि वो एक चौराहे पे हैं जहाँ पे उन्हें किस डायरेक्शन जाना है वो समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आप हो और एक तरफ फैमिली है, जो मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि इनके पास ना इनकी फैमिली भी है, ऑलरेडी ये मैरिड है एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि इन्हें नहीं छोड़ना, ये छोड़ भी नहीं सकते। सो ये कंफ्यूज है, दोनों साइड, दोनों हाथों में तलवार है। सो किसको पकड़ के चलना है, किस डायरेक्शन पे चलना है, वो चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा ये आपको दिखाते हैं वो पूरा हकीकत ना हो, उसमें कुछ झूठ हो सकता है, कुछ सच हो सकता है। जैसे फैमिली वाली बात, मे बी इन्होंने आपको ऐसे बोला हो कि ये मैरिड है, पर ये नहीं बोला हो कि इनका एक छोटा बेबी भी है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ। ओके, सो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ये पूरा सच नहीं बताएंगे आपको, या ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, या आपके क्रश की सोच भी हो सकती है आपको लेके, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो पूरा सच नहीं दिखाता, जो उन्हें पूरी हकीकत नहीं बताता कि आप क्या फील करते हो, कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रही है। जो मैंने बोला था मून से कि कोई है जो नहीं चाहता कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आएँ, सो वो चीज़ को लेके भी ये सोचते हैं कि आप कुछ ना कुछ इनसे छुपाते रहते हैं। सो ये वही चीज़ सोचते हैं कि आप क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं रिलेशनशिप में आ रहे, क्या वजह है। ओके, तो वो उस चीज़ को लेकर भी ये सोचते हैं कि आप दिखाते नहीं हैं, आप ये भी चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाते कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, या कोई ऐसा है जो नहीं चाह रहा आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए।
साथ ही आपके क्रश की सोच ये भी है, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, फिर चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आपने टैटू जो करा रखा है हाथ पे वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लड़की हैं तो आपकी फिजिकल ब्यूटी से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, साथ ही इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप जिस भी तरीके से ड्रेसअप होते हैं इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लड़के भी हैं सो इन्हें ऐसा लगता है ना कि काफ़ी पावरफुल इंसान हैं, हट्टे कट्टे से हैं, मतलब बॉडी शॉडी बना रखी है अपनी, मसल्स वगैरह बना रखे हैं अपने, और बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के भी हो। और इसमें मैं ये चीज़ भी कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को। साथ ही आपको ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, इन सब का बहुत शौक़ है। ओके, इन्हें ऐसा लगता है आपको ट्रैवलिंग वगैरह का बहुत शौक़ है, साथ ही आपके क्रश का ऐसा लगता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ हर कोई रिलेशनशिप में आना चाहेगा, क्योंकि काफ़ी मैच्योर हो, अलग नज़रिए से चीज़ों को देखते हो, और बहुत इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंडेड हो, ट्रैवलिंग करना पसंद है, करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे छुपा रहे हो, सो उस चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं परेशान है। साथ ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिस भी परेशानी से अभी आप गुजर रहे हैं, हेल्थ को लेके हो सकता है, फाइनेंस को लेके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, सो उस चीज़ को लेके ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से बाहर आ जाएं। ये गाइज मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं आपके क्रश की बर्थ डेट की बात करूँ या आपकी बर्थ डेट की बात करूँ, 10/19/28 हो सकती है, 5/14/23 हो सकती है, यहाँ पे 6/15/24, 3/12/21 और 7/16/25 हो सकती है। ओके, 2/11/20 हो सकती है, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही हैं। और बर्थ मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे फरवरी, अक्टूबर, मई, जून और जुलाई, साथ ही यहाँ पे मुझे दिसंबर दिख रहा है। यह गाइस मुझे यही बर्थ मंथ दिख रहे हैं जो मैंने बर्थ डेट और बर्थ मंथ बताए हैं। अगर रेजोनेट नहीं करते, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। और यहाँ पे जोडियक साइन सारे ही मौजूद हैं, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।